नागरिकता कानून में संशोधन कर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित गैर मुस्लिम नागरिकों को भारत में आने पर शरण देने के साथ उन्हें भारतीय नागरिकता देने का जो प्रावधान केंद्र सरकार ने अब किया है, उसकी मांग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्ष 1950 से करता आ रहा है। वर्ष 1950 में पहली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में इस विषय पर चिंता जताते हुए पहला प्रस्ताव यही पास हुआ था कि मातृभूमि के विभाजन की दुर्भाग्यपूर्ण स्वीकृति के बाद भी पाकिस्तान स्थित हिंदू ना तो भारतीय नागरिकता से वंचित हुए हैं ना ही हो सकते हैं, और इसलिए वे भारतीय राज्य से सब प्रकार की सुरक्षा और सहायता पाने के अधिकारी हैं। उसके बाद कई बार प्रतिनिधि सभा इस विषय पर चिंता जताती रही और समय समय पर कई प्रस्ताव पारित कर केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकारों से हिंदू शरणार्थियों के हितों की सुरक्षा की मांग करती रही, परंतु पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने कभी कुछ नहीं किया। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने वर्ष 1964 में दोबारा इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया। तब से लेकर वर्ष 2013 तक इस संबंध में कई प्रस्ताव पारित हुए और अंततः संघ के अनवरत प्रयास 2019 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नागरिक संशोधन कानून लाने के साथ फलीभूत हुए।